subscribe now and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैजुअल इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने विंडो का डुअल बूट मेनू किस प्रकार रिमूव करें, चाहे वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का हो, चाहे किसी भी विंडोज का हो, जैसे कि विंडोज 8 या 10 या 7 हो, उसे किस प्रकार रिमूव करें उस मेनू को। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल में ज्वाइन जाइए इस तरह कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पीसी में रन ओपन करना पड़ेगा। तो आप रन ओपन कर लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं रन को, और यहाँ पर आपको डालना है msconfig डालना है। msconfig डालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल बूट सर्विस स्टार्टअप टूल्स का ऑप्शन दिया गया है। तो हमें बूट पर जाना है और हमें बूट का रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीसी में अभी कोई भी बूट मेनू नहीं है। तो आप किस प्रकार रिमूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पीसी में विंडोज इंस्टॉल है तो वो यहाँ सभी यहाँ पर शो होंगे, जिसकी वजह से आप उनको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो सभी बूट मेनू डिलीट हो जाएंगे। और जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मेरे अभी विंडोज 10 ही मैं चला यूज कर रहा हूँ, तो डिफ़ॉल्ट OS है तो ये डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देगा, क्योंकि ये अभी रन हो रहा है हमारे पीसी में, क्योंकि हम इसी OS को यूज कर रहे हैं अभी। अगर आप जैसे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस पर क्लिक करके आप उसे चूज कर लीजिए, फिर आप उसे डिलीट पर क्लिक करके फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो विंडोज डिलीट हो जाएगी, बूट मेनू डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने बूट मेनू को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कैसी लगी जानकारी आपको चलेगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल जॉइन जाइए।